तमंचे के बल पर बदमाशों ने लूटी इको कार। मथुरा के कोसीकला में मंगलवार की देर सायं शेरगढ़ रोड पर कार चालक को तमंचा दिखाकर बदमाशों ने कार और मोबाइल दोनों लूट लिया। पुलिस ने घेराबंदी भी की लेकिन बदमाश हाथ नहीं आए। पुलिस ने कार लूट का मुकदमा दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार गांव जमालगढ़ तहसील पुनाना जिला मेवातनू हरियाणा निवासी तस्लीम पुत्र सिराजुद्दीन अपनी इको कार H4 93 27 98 को बुकिंग पर चलाता है। चालक तस्लीम ने बताया कि वे मंगलवार की रात्रि करीब 8:30 बजे पुनाना से कौसी बॉर्डर पर CNG पंप पर CNG भरवाने के लिए आ रहा था। इसी दौरान होडल के हसनपुर चौक पर 3 लोग एवं 1 महिला ने हाथ दिया और बोले हमें कोसी छोड़ देना। चालक ने उन्हें इको कार में बिठा लिया और कोसी कला के शेरगढ़ रोड पर छोड़ने के लिए आ गया। जैसे ही वह शेरगढ़ रोड से पुलिया पर पहुंचा तभी बदमाश अपना असली रूप में आ गए। एक बदमाश ने तमंचा निकालकर तस्लीम की कनपट्टी पर लगा दिया और गाड़ी से बाहर खींच लिया। एकाएक हुई घटना से चालक डर गया। बदमाशों ने तमंचे के बल पर चालक का मोबाइल लूट लिया। इसके बाद बदमाश चालक को शोर न मचाने की धमकी देते हुए कार लूटकर फरार हो गए। चालक किसी तरह से थाना पहुंचा और पुलिस को मामले की जानकारी दी। पुलिस ने आनन फानन में घेराबंदी कर बदमाशों की तलाश शुरू की लेकिन पता नहीं लगा। इस मामले में पुलिस ने तस्लीम की तहरीर पर 4 अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जांच शुरू कर दी है। तस्लीम क्या वह गाड़ी छीन ली जी। कैसे मतलब क्या हुआ? मैं CNG भरवाने आया था जी पुनाने से, यहाँ होटल के पास में। वहाँ से आ रहा था, 3 बंदे मिले होटल में, बोल रहे एक लेडीज थी 3 बंदे थे, बोल रहे कोसी छोड़ना है। मैंने छोड़ देंगे भाई, इधर को मैं लाया शेरगढ़ वाले रोड पे, वहाँ पे वहाँ गाड़ी छीन लीजिए और धक्का मार के लिए काट दिए, कट्टा लगाया था और गाड़ी को ले चले गए। कौन सी गाड़ी थी? इको जी। क्या नंबर था गाड़ी का? H4 93 27 58। तो उसके लिए थाने में आए हो आप? हाँ जी। क्या क्या थाने में कार्रवाई कर रहे हैं जी?